अर्बन इनोवेशन समिट के कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं नंदगोपाल नंदा जी। सर क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? देखिए मैं तो यही कहूंगा, मेरा देश बदल रहा है जी। आज कोई भी योजना है, एक जन जागरण का एक जन आंदोलन जैसा प्रतीत होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब पहली विदेश यात्रा पर गए थे तो उन्होंने स्मार्ट सिटी के बारे में चर्चा की थी, तो लोगों को लग रहा था कि क्या है ये स्मार्ट सिटी, लेकिन स्मार्ट सिटी में किस तरह से काम हो आज इस पर वर्कशॉप किया गया है और तमाम लोगों ने इसमें भाग लिया है। मैं भारत सरकार के नगर विकास मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं और एलएड जिनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है उनको भी बधाई देना चाहता हूं और यही कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस देश में रहने वाले 130 करोड़ जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस प्रदेश की बागडोर ऐसे कर्मयोगी के हाथ में है जो रात दिन काम करके इस प्रदेश को तरक्की की ओर ले जा रहे हैं और आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आज भारत के तमाम नामचीन हस्तियां इंडस्ट्रिस्ट आज मुख्यमंत्री जी के यहाँ डिनर पर हैं। कल इन्वेस्टर समिट है और इन्वेस्टर समिट जो और पार्टी की सरकारों में पिछली सरकारों में केवल और केवल एक कागजी और एक इवेंट बन करके रह जाता था, आज ज़मीन पर पीछे आपने देखा कि 60,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, अभी भी होने जा रही है। तो मैं सभी इंडस्ट्रीज को बधाई देना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आज उत्तर प्रदेश का जो नज़रिया बदला है, लोगों की सोच बदली है, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो इसका इसके पीछे कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कार्य कर रहे हैं। पिछली सरकारें थी उन सरकारों में अपना विकास, अपने परिवार का विकास, अगर बहुत ज़्यादा उन्होंने सोचा तो अपनी जाति का विकास केवल इतना सोचा, ये सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। शुक्रिया सर, R9 TV से बात करने के लिए।